हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वे इंस्टीट्यूट यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जैसा कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिससे हम क्या करें, आपको घर बैठे बैठे यूट्यूब के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करा सकें। इसके लिए हम आपको इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स सभी की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से ईजी वे में चीज़ों को याद करवा सके और सिखाया जा सके। अगर आपको कोई भी सजेशन देनी हो, ठीक है, इसे और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे हमसे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम जो वर्ड्स करेंगे वो आपके वर्ड्स होंगे किसके बेस पे, एस अल्फाबेट के बेस पे, ठीक है। तो पहला वर्ड आपका क्या है, सबसर्वियंट। सबसर्वियंट का मतलब क्या होता है, देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सबको सर्व करे, ठीक है, ध्यान ऐसे रखना है, सबका सर्वेंट हो, ऐसे व्यक्तियों का क्या कहता है, सब सर्वेंट। टू विलिंग टू ओबे अदर्स, जो हर किसी का कहना मान लेता है, ठीक है, एक तरीके से गुलामी करता है वो, उसी का क्या जाता है, सब सर्वेंट। अगला जो आपका वर्ड है, सेकंड वर्ड इस पार्ट का, वो क्या है, सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इनकम जस्ट टू लिव ऑन। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये खेती में काम कर रहे हैं और आजकल आपको पता है जो फार्मर्स या जो व्यक्ति खेती से जुड़े हैं उन्हें सिर्फ इतनी इनकम मिल पाती है जिससे कि उनका सिर्फ गुजारा भर होता है, ठीक है। हमारे जो देश का सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हम उन चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लाइक क्रिकेटर एंड एक्टर्स, इन पर ज़्यादा मीडिया कवरेज दी जाती है इन्हें एंड पब्लिक इनके पीछे भागती है। बट जो हमारे फार्मर्स हैं, सोल्जर्स हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे ऑल आर इग्नोर्ड। तो वी नीड टू चेंज द सिस्टम, ओके। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो क्या है, सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का मतलब क्या होता है, अ ट्रिक टू गेट समथिंग, एक ट्रिक किसी चीज़ को लेने के लिए, ठीक है। सब्टरफ्यूज क्या होता है, अ ट्रिक टू गेट समथिंग। यहाँ पर देखिए ट्रिक अपना रहा बंदा और इसका मेन मोटिव क्या है, पैसे अर्न करना, ठीक है। तो ही इज यूजिंग सब्टरफ्यूज। फोर्थ वर्ड है आपका क्या, सुपरफ्लूस। सुपरफ्लूस का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट नेसेसरी, एक्स्ट्रा, जो चीज़ एक्स्ट्रा में होती है उसे क्या कहा जाता है, सुपरफ्लूस। सपोज कीजिए क्या कि मेरा 3 रोटी से पेट भर सकता है, ठीक, अब 2 रोटी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो ये क्या है मेरे लिए, सुपरफ्लूस है, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। तो सुपरफ्लूस क्या होता है, विच इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट आपका वर्ड है क्या, सपिकेंट। सपिकेंट क्या होता है, सपिकेंट का मतलब होता है क्या, सपिकेंट मतलब होता है वन हु प्रेज अर्नेस्टली, जो काफी डिवोशन के साथ पूरे शिद्दत से जो प्रार्थना करता है उसे क्या कहा जाता है, सपिकेंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस व्यक्ति को, ये इसकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये क्या है, ही इज अ सपिकेंट बिकॉज ही इज प्रेइंग अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब होता है पूरे जीजान से, पूरे दिल से, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या, सरप्टीशियस। सरप्टीशियस या मिस्ट्रीज कह सकते हैं आप इसे, सीक्रेट कह सकते हैं, ठीक है। सरप्टीशियस से स्टिल्टी डन, या एक वर्ड आपका कोवर्ट, कोवर्ट कह सकते हैं आप इसे, या मिस्ट्रीज भी कह सकते हैं या सीक्रेट भी कह सकते हैं आप इसे, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये स्टिल्थी भी कह सकते हैं, स्टिल्थली मतलब कि चोरी चुपके कोई काम करना, इसे क्या कहा जाता है, सरप्टीशियस। तो दे आर डूइंग समथिंग सरप्टीशियसली, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या, स्वैनसोंग। स्वैनसोंग क्या होता है, आपने ये मूवी में कई बार ये वर्ड सुना होगा बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। स्वैनसोंग होता है क्या, व्यक्ति का जो लास्ट गाना होता है उसे क्या कहा जाता है, स्वैनसोंग, ठीक है, स्वैनसोंग। यहाँ पे देखिए व्यक्ति अपना ये गाना गा रहा है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल मस्त हो कि ये अपना लास्ट सॉन्ग गा रहा है, तो ये क्या है, स्वैनसोंग, पर्सन लास्ट सॉन्ग। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो क्या है, स्वॉर्म। स्वॉर्म वर्ड पता होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिन्हें नहीं पता कोई नहीं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ एंट्स, चींटियों का एक बहुत बड़ा समूह, उसे क्या कहा जाता है, स्वॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो क्या है, साइकोफेंट। अब साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, साइकोफेंट का मतलब होता है वन हु ट्राइज टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, जो व्यक्ति किसी का फेवर लेने के लिए, मतलब कहते हैं ना उसके तलवे चाटना, ठीक है, जो व्यक्ति किसी के तलवे चाटते, देख सकते हैं आप यहाँ पे,
और इसका मोटिव क्या है, ये इस व्यक्ति का फेवर लेना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों का क्या कहा जाता है, साइकोफेंट। ऐसे आपको जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे साइकोफेंट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या, सेलेबल। सेलेबल क्या होता है, अ यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन हैविंग वन वोवेल। जब हम किसी चीज को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें एक वोवेल की साउंड आती है ओनली, जैसे लेडी में ए आर है, लेडी, ठीक है, डी वाई, बर्ड ओनली आई आर है, कन ए आर है, गा ए आर है, रू ओ आर है। तो प्रोनाउंस करते समय जो एक वोवेल की साउंड है इन्हें क्या कहा जाता है, सेलेबल। क्लियर। इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड्स हैं, दिस ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वेदर, कैट, मैट, जेट, सीजीएल, या आपका केवीएस का एग्जाम हो, ठीक है, या टीचिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश आती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है उसे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका साइनागोग। अब साइनागोग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। साइनागोग होता है क्या, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द ज्यूज। ज्यूज जहां पे प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे प्लेस को क्या कहा गया है, साइनागोग। जैसे जहां पे हम पूजा करते हैं उसे टेंपल कहा जाता है, जहां पे मुस्लिम करते हैं उसे मॉस्क कहा जाता है, जहां पे ईसाई धर्म के लोग करते हैं उसे चर्च कहा जाता है, ठीक है। तो जहां पे जो ज्यूज होते हैं वो पूजा करते हैं, ऐसे प्लेस को क्या कहा जाता है, साइनागोग। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे ये पार्ट मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद के जो वर्ड्स हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बना रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप 10-10 वर्ड्स को याद करें, क्योंकि जो वर्ड्स हैं न्यू वर्ड्स हैं, ठीक है, 10-10 के अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इससे आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।